अस्सलामुअलैकुम। आज आपको रिफ्लेक्शन का फ्लो टूर हम देते हैं। हम लोग एक व्लॉग सीरीज़ अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे भाई मेरे कस्टमर्स ने मुझे कहा कि कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी होनी चाहिए साथ साथ। ताकि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें रिगार्डिंग डिटेलिंग एंड ऑल सर्विसेज। बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है मार्केट में, बहुत ज़्यादा कस्टमर कंफ्यूज होता है। तो मुझे बहुत सारे कस्टमर्स ने कहा कि वी शुड एजुकेट देम। तो हमने आज से एक व्लॉग सीरीज स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आज आपको फ्लोर का इंट्रो देंगे। दिस इज़ रिफ्लेक्शन, ये हमारा फ्लोर है, ये हमारे कंपाउंडिंग एरिया है कंप्लीट। हम आज सब स्पोर्टेज पे काम कर रहे हैं। ये स्पोर्टेज का हमने एक 50-50 इम्पैक्ट क्रिएट किया। दिस इज़ अ न्यू स्पोर्टेज, बट आप देखें कितने हमारे पास स्वेल और कितना पेंट डेड आता है नई गाड़ियों का। हम जब शोरूम डिलीवरी लेते हैं तो हमें ज़्यादातर ही हमारे लोकल मार्केट प्लेयर्स लोकल शोरूम्स वाले एक पॉलिश करके देते हैं, बट जब वो वॉश होती है गाड़ी तो हमारे पास बहुत ड्राइनेस नज़र आ रही होती है पेंट में। तो अभी जस्ट हमने एक 50-50 का रेडी किया ताकि हम एक आइडिया करें कि कितने पास और कितने किस किस प्रोडक्ट के साथ हमें अपना डिज़ायर रिजल्ट मिल रहा है, उसी हिसाब से कंप्लीट हम इसको प्रोसेस करेंगे। दिस आर कंपाउंडिंग एरिया, यहाँ पर कंपाउंडिंग वीवो हमारे पास ये हमने आई गेस 6 से 7 महीने पहले PPF की थी और आज हमारे पास ये अंडरकोट के लिए आई थी सर। अंडरकोट करके रेडी है गाड़ी, ये PPF हुई हुई है, इस पर रिफ्लेक्शन फिल्म्स हुई हुई हैं एंड कस्टमर का वेट कर रहे हैं। कस्टमर आएगा तो डिलीवर करेंगे। आगे ये हमारा लेफ्ट साइड पे पूरा PPF एरिया है। हम PPF को बहुत एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करते हैं। आपको PPF रूम विजिट कराते हैं, हमारा कंप्लीट क्लोज इन्वायरमेंट में PPF इंस्टॉल होता है। एक AC चलता है, टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं हम रूम का, यहाँ पर क्लोज इन्वायरमेंट इंस्टॉलेशन करते हैं। ये एरिक साहब हैं हमारे फ्लोर मैनेजर और अभी ये PPF जो है वो खुदी लगा रहे हैं क्योंकि इनको इस गाड़ी पे हमें जो है एरिक साहब ने बहुत ज़्यादा फोकस रखा हुआ है। दिस इज़ चेरी टीगो 8, माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल क्रॉसओवर, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है इसका इंटीरियर स्पेसिफिकली। दिस इज़ सोरेंटो, PPF कंप्लीट हो चुका है इसका। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट PPF रूम, कंप्लीट क्लोज इन्वायरमेंट, गोइंग टू आवर सेकेंड PPF रूम। ये सामने से जो संजय दत्त की तरह चलते हुए आ रहे हैं ये हमारे साथ साहब हैं, ये हमेशा ऐसे ही चलता है। ये हमारा सेकंड PPF रूम है, अगेन क्लोज इन्वायरमेंट। यहाँ पे हमारे पास दो लेजेंडर्स इस वक्त फाइनल हो रही हैं, फाइनल मीन्स फाइनल पीसेस लगा रहे हैं। ये हमारे छोटे एरिक साहब हैं। एरिक भाई बम्पर बाकी हैं दोनों के? जी। बैक बम्पर हो गए? जी बम्पर हो गए सर। ये एरिक साहब अभी बम्पर बिठा रहे हैं, ये जियोन फिल्म हम लगा रहे हैं। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर बिठाना, क्योंकि एक ये हम 2D फिल्म लगा रहे हैं ओवर अ 3D ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसको बिठाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। इसको यहाँ से सेट कर रहे हैं, ये जियोन फिल्म लग रही है, दिस इज़ रिफ्लेक्शन फिल्म्स, दोनों के लास्ट पीस लग रहे हैं। कल इंशाल्लाह दोनों गाड़ियाँ डिलीवर करेंगे आपको। अब दिखाते हैं सिरामिक एंड पॉलिशिंग एरिया, आगे आते हैं। ये हमारा सिरामिक एरिया है, ये हमारा कंपाउंडिंग पॉलिशिंग एरिया है। ईट्रॉन PPF के लिए रेडी हो रही है, इनसाइट होंडा इनसाइट PPF के लिए रेडी हो रही है, सिरामिक के लिए आई हुई है हमारे पास वीवो एंड निसान लीव का बेसिक प्रोसेस हो गया है। कंप्लीट इलेक्ट्रिक कार है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है माशाल्लाह, कंप्लीट इलेक्ट्रिक। आजकल के पेट्रोल के हिसाब से मच नीडेड। दिस इज़ आर सिरामिक एरिया, ये गाड़ी कंप्लीट हो गई है हमारी, बहुत खूबसूरत ऑल्टो, ये कंप्लीट है। रैप इसलिए की हुई है क्योंकि कस्टमर ने कहा है कि वो कल आएगा, तो रैप करके छोड़ दिया इसको। कल जब कस्टमर आएगा तो उससे पहले रैप उतार के इसका क्योर करेंगे। टूसॉन रेडी है, कस्टमर पहुंच रहे हैं, टूसॉन चेक भी हो गई है, ओके है। यारिस पे हमने सिरामिक किया है, प्लैटिनियम पैकेज Q2 प्योर का। ग्लोरी पे हम अभी प्राइमर कर रहे हैं, पॉलिश हो गई है, प्राइमर करते हैं कोटिंग से पहले, सिरामिक कोट की गाड़ी है, प्योर का पैकेज करना है। बेटा ये चेक हो गई है, कंप्लीट चेक हो गई है, इसको क्योर नहीं करना, सुबह आएगा कस्टमर, अभी नहीं आएगा, इसको रैप करवा दो। इंटीरियर फिनिशिंग ग्लोरी की साथ साथ चल रही है, उसके बाद फिर हम इसको जाने से पहले सिरामिक कोट कर देंगे ताकि ओवरनाइट सिरामिक को टाइम भी मिले और सिरामिक की सुबह तक बाइंडिंग भी कंप्लीट हो जाए। सो ये हमारा छोटा सा सेंटर है, वीवो अंडरकोट पे लगी हुई है, इतना रस्ट है इस गाड़ी में, प्लस इसमें कस्टमर ने बहुत ज़्यादा डीजल और ऑयल लगवाया हुआ था। 4 घंटे सजाद भाई को लगे हैं इसमें सिर्फ अभी तक इसका डीजल ऑयल और इसकी ग्रीसी इम्पैक्ट ख़त्म करने में। अब अंडरकोट हम शुरू कर रहे हैं, अंडरकोट से पहले के ये सारे प्रोसेस होते हैं। सजाद भाई ने अभी इसकी बेसिक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, फिर बॉडी रैप कर रहे हैं,
उस्ताद जी जाने से पहले अंडरकोट कंप्लीट कर देंगे इसका, ताकि सुबह तक जो है ना इसकी ड्राई भी कंप्लीट हो जाए। अभी वैसे ही नमी बहुत है, वरना कस्टमर को हमने सुबह ही देनी है, 11-12 बजे तक ही आएंगे तो तब तक लिफ्ट पर ही छोड़ देंगे, तो ड्राई भी प्रॉपर्ली हो जाएगी। हमारे उस्ताद जी हैं ये, तो ये हमारा सेंटर है। अभी आगे आपको वीडियोज़ में जितने भी मसले आते हैं, जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एडवांस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सिरामिक कोट, अंडर कोट, PPF कंप्लीट मैं प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू।